हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ग्लास फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कोठारी कमीशन। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से ही गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज दी गई, बहुत सारे कमीशन्स बनाए गए, जिनमें से एक है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे पॉपुलरली किसके नाम से जाना जाता है, कोठारी कमीशन के नाम से। तो कोठारी कमीशन का गठन करने का गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनका परीक्षण किया जा सके और इसके सुधार के लिए जिन गाइडलाइंस और पॉलिसीज की ज़रूरत है वो बनाई जा सके। तो कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया, 14 जुलाई 1964 को, और इसके टोटल जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 17 मेंबर्स थे। और जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी, जो उस समय के UGC चेयरमैन भी थे। तो इन्हीं के नाम पे जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसको पॉपुलरली किसके नाम से जाना जाता है, कोठारी कमीशन के नाम से। ठीक है, तो ये आ गया कि इसका गठन कब किया गया, मेंबर्स कितने थे और इसके चेयरमैन कौन थे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन है या कोठारी आयोग है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अब जितने भी कमीशन्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज दी जाती हैं, उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, क्योंकि ये माना जाता है जनरली कि किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की अच्छी इकोनॉमी के लिए, कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसकी एजुकेशन का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही कोठारी कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। और अगर मेनली इनके पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट था कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो उस कंट्री की इनकम भी बेहतर होगी। तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी कोठारी कमीशन ने कि जो साइंस है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो हमें क्या करना है, साइंस को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है हमारी एजुकेशन में। सेकेंड आ गया प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि किसी कंट्री की डेवलपमेंट का पहला स्टेप क्या होता है, उस कंट्री की सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन। इसके लिए क्या किया, क्या रिकमेंड किया कोठारी कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि क्या करना है, हमें लैंग्वेजेस पे जोर देना है, बच्चों को जो मदर टंग है उसके साथ साथ हिंदी और एक थर्ड लैंग्वेज जो क्या होनी चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको पढ़ाना ज़रूरी है, कंपलसरी है वो स्कूल एजुकेशन में। फिर आता है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब हम सब जानते हैं कि आज की एज कैसी है, साइंस की एज है, और अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि वो डेवलप हो, उसकी इनकम बेहतर हो, तो उसकी जो एजुकेशन है उसका बेहतर होना, उसका मॉडर्नाइज होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें एक तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा जोर देना है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो साइंस है उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है और रिसर्च पे ज़्यादा वैल्यू देनी है। ओके, तो ये आ गया एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। फिर आता है डेवलपिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने पर जोर देना है। क्या सिखाना है स्कूल में बच्चों को, किस तरह सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज कंट्री की डेवलपमेंट के ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। ये सारे क्या थे, ये आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन। ओके, देन आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ अटेनमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न चरणों में जो प्राप्ति के मानक होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। तो कोठारी कमीशन ने क्या किया, जो स्कूल करिकुलम था, स्कूल पाठ्यक्रम था, उसके चेंजेस के लिए भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, क्योंकि अगर जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा, उबाऊ होगा, बहुत पुराना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे डेवलप नहीं कर सकती है कोई भी कंट्री। तो जो कोठारी कमीशन था उसने क्या रिकमेंड किया कि ये ज़रूरी है कि हमारा जो स्कूल पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको चेंज किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, तभी हमारी कंट्री क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर बन सकता है। तो इसके लिए क्या किया,
इसके लिए जो कोठारी कमीशन ने करिकुलम दिया कि जो पढ़ाई के पहले 10 वर्ष हैं वो कैसे होने चाहिए, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, जनरल ऑब्जेक्टिव या जनरल एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जिसमें पहले 4 साल किसमें आ जाएंगे, हमारे लोअर प्राइमरी में आ जाएंगे, अगले 3 साल किसमें आ जाएंगे, अपर प्राइमरी, देन इसी तरह 2 से 3 साल किसमें आ जाएंगे, लोअर सेकेंडरी, और अगले वाले के आ जाएंगे हायर सेकेंडरी आ जाएंगे। तो और क्या डिफाइन किया, किस टर्म्स में डिफाइन किया इन्होंने, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को, अलग अलग चरणों को, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड, ओके। इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया किसने, कोठारी कमीशन ने। अब अगर इनको थोड़ा डीप में देखें तो पहले बताया, पहले रिकमेंडेशन दी करिकुलम एट लोअर प्राइमरी स्टेज की, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो करिकुलम है लोअर प्राइमरी स्टेज पे, मतलब पहले जो 4 साल है पढ़ाई के, उनमें करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखते हैं, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इमिटेट करते हैं। तो कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि इस स्टेज में, मतलब लोअर प्राइमरी स्टेज में, जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। जो फॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो मेन फोकस है वो एक लैंग्वेज पे, और जो जनरल या स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स होता है, जैसे काउंटिंग्स वगैरह होगी, टेबल्स वगैरह होंगे, इन पे, सिर्फ इन पे ही फोकस करना है, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम एकदम सरल होना चाहिए और भाषा और गणित पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो बच्चे वर्क एक्सपीरियंस में इस एज में क्या सीख सकते हैं, आप बच्चों को सिर्फ इतना सिखा सकते हो कि आप किस तरह अपनी क्लास को साफ सुथरा रख सकते हो, किस तरह आप अपने स्कूल को डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही रिकमेंडेशन थी कि लोअर जो प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग के 4 साल है पढ़ाई के या स्कूल के, उसमें करिकुलम क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम एट हायर प्राइमरी स्टेज। हायर प्राइमरी स्टेज में कौन सी आ जाएगी, अब आ जाएंगे अगले, फर्स्ट 4 ईयर देख लिए हमने लोअर प्राइमरी स्टेज में, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हायर प्राइमरी स्टेज। अगले 3 साल में जो एजुकेशन है या जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। तो अब कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो लर्निंग है अब उसको थोड़ा सिस्टेमेटिक बनाना है, ठीक है। और जो सेकेंड लैंग्वेज है, जैसे आपकी सेकेंड लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर किसी की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है स्कूल एजुकेशन में। और जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो किसमें देना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस पे देना है, क्योंकि ये कैसी है, साइंस एज है। और जो सोशल स्टडीज है उसको किस तरह बढ़ाना है, एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पे बढ़ाना है। और अगर इस स्टेज में हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या करना है, अब बच्चे को हमने क्या सिखाना है, नैतिक और नैतिक मूल्य सिखाने हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू सिखानी है। तो वीक में एक दो क्लासेस इनसे रिलेटेड भी होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन में, साथ में बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें भी सिखानी है, और एक फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ क्लासेस होना ज़रूरी है इन द करिकुलम एट हायर प्राइमरी स्टेज में, ठीक है। ये क्या आ गई रिकमेंडेशन, आ गई एट करिकुलम एट हायर प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, ओके। मतलब पहले 4 साल में क्या देखा कि करिकुलम एकदम सिंपल रखा, सिर्फ मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज पे जोर दिया, ठीक है, मतलब खेल खेल में बच्चों को इस तरह सिखाना है। फिर अब उसके बाद आ गया कि अब थोड़ी लर्निंग को सिस्टमेटिक बनाना है, ठीक है, जिससे बच्चे थोड़ा सीरियसली लें एजुकेशन को, ओके। इसीलिए मैथमेटिक्स और साइंस पे क्या दिया, ज़्यादा जोर दिया, समझ आ गया ये। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, करिकुलम एट लोअर सेकेंडरी स्टेज। अब करिकुलम एट लोअर सेकेंडरी स्टेज कैसा होना चाहिए, उसके बाद आपको पता है आप 6th 7th 8th क्लास में पहुंच जाते हो तो क्या करते हो। कोठारी कमीशन ने बोला कि अब थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, देन कंपल्सरी लैंग्वेज होनी चाहिए और ये कोई मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए। और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। और इस स्टेज में जो करिकुलम है वो किस तरह रखेंगे, जो हमने पिछले हायर प्राइमरी स्टेज में पढ़ा करिकुलम वही होगा अब, बट जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े और डेप्थ में पढ़े जाएंगे, ठीक है, या पढ़ाए जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वही कंटिन्यू रहे जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, बट
कंटेंट क्या हो गया, थोड़ा डीप हो गया, थोड़ी स्टडी किस तरह पढ़ेंगे, अब थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है करिकुलम एट हायर सेकेंडरी स्टेज। अब ये कौन सा आ गया, 11th 12th स्टैंडर्ड्स आ गया। आप अब बच्चों ने क्या किया, स्टार्टिंग के 10 साल स्कूलिंग के पूरे कर लिए हैं, तो उनमें जो भी इंटरेस्ट पैदा होने थे या उन्होंने जिस फील्ड में अपना करियर बनाना था, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सोच ली हैं, या उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो लास्ट 2 ईयर है स्कूलिंग के, यहाँ पे क्या रिकमेंड किया कोठारी कमीशन ने कि ज़्यादा जोर किस पे देना है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अब बच्चे आगे जाके अपना करियर बनाएंगे, अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, और इससे और क्या हेल्प मिलेगी, कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। इसीलिए ये 2 साल कैसे होने चाहिए, जो विशेष शैक्षणिक हितों के विकास के लिए स्कूली शिक्षा के अंतिम 2 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गई, रिकमेंडेशंस आ गई कोठारी कमीशन की कि करिकुलम कैसा होना चाहिए स्कूल लेवल पे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कोठारी कमीशन में, कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, मेंबर्स कितने थे, ठीक है, और क्या बोला जाता है कोठारी कमीशन को, एंड मेनली इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, ठीक है। मेनली क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।